हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अमेजिंग रेसिपी सोया चिली। तो सोया चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम कट करेंगे ये कुछ सामग्री, फिर एक कटोरे में डालेंगे कॉर्न फ्लोर और मैदा और हल्का सा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही पतला सा घोल रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब सोयाबीन को गर्म पानी करके उसमें डाल देंगे ताकि सोयाबीन जो हो थोड़ा सा फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर उसका पानी निचोड़ के इस पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदा, कश्मीरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करके हम डालेंगे पैन में सरसों तेल और सोया को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसको हम निकाल लेंगे। अब पैन में डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और बड़ा साइज में कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, फिर डालेंगे सोया सॉस और इसको अच्छे से कुछ देर तक फ्राई करेंगे। जब ये हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टमाटो सॉस और पानी डालकर थोड़ा देर तक और इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमारा जो घोल रेडी किए थे मैदा वाला उसको डालकर इसको कुछ देर तक अच्छे से चलाएंगे। फिर डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ हमारा सोयाबीन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो सोया चिली है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली ये सोया चिली हो गया रेडी। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक करना ना भूलें। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।